बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोरेवाला पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की इज्तमाई रैली पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के दफ्तर से शुरू होकर विहाड़ी बाजार, कॉलेज रोड और मुल्तान रोड से होती हुई वापस दफ्तर किसान इत्तेहाद आकर खत्म हुई। इनका कहना था कि कमर तोड़ महंगाई ने किसानों मजदूरों की कमर तोड़ दी है। मजीद जानते हैं बोरेवाला से शब्बीर फरीदी की इस रिपोर्ट में। बोरेवाला पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की एहतजाजी रैली पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के दफ्तर से शुरू होकर अड़ी बाज़ार, कॉलेज रोड और मुल्तान रोड से होती हुई वापस दफ्तर किसान इत्तेहाद आकर ख़त्म हुई। उनका कहना था कि कमर तोड़ महंगाई ने किसानों मजदूरों की कमर तोड़ कर रख दी है। हर शहरी बेपनाह टैक्स दे रहा है, महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वापडा ने किसानों के ऊपर नाजायज़ बिल डालकर किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। लाहौर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफद ने चौधरी अनवर की क्यादत में वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर खुराक, वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में तयशुदा मुज़ाकरात पर आज तक अमल दरामद ना किया गया। आज तक हुकूमत लॉलीपॉप का ड्रामा रचा रही है, जिसमें क्रिप्ट वापडा एहलकारों की ज़िला बदरी, किसानों को एवरेज डिक्टेशन से छुटकारा और झूठे मुकदमा का इखराज था। हम किसान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भरपूर मुतालबा करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात पर फिलफौर अमल दरामद ना किया गया तो 14 अगस्त को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तमाम तर हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी, क्योंकि महंगाई ने किसानों का जीना दो भर कर दिया है। इस मौका पर मलिक जुल्फकार हुसैन अवान, मरकजी कोआर्डीनेटर, ज़िलाई सदर विहाड़ी मोहम्मद मेहरान, अब्बास सुखेरा, आज़म लखो का, मियाँ आमिर मलिक, इशफाक अहमद, चौधरी असगर, इमरान वड़ाइच, चौधरी मुश्ताक, मीन खरल, महबूब मिनहास, अब्दुल गनी और दीगर ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ शब्बीर फरीदी, सतलुज न्यूज़, बोरेवाला। मरी के नवाही गांव नंबल डन्ना में गरीब बाप बेटे को गोलियां और खंजर के वार से ज़ख्मी कर दिया गया। गुफ्तार के दामाद ने अपनी साली को जिंसी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर SHO मरी ने मुलजिम एजाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ था। मुतासरा शहरी ने मुलजिम को गिरफ्तार ना करने पर SP सदर मजहर इकबाल के पेश होने के बाद जब वापस वो अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में मुसल्ले अफराद एजाज और इनके साथियों ने हमला कर दिया। हमला के नतीजे में रहीम और इसका बाप शदीद जख्मी हो गया। दूसरी रिकॉर्ड याफ्ता पार्टी, जिसके खिलाफ मुतद्दिद केस चल रहे हैं, उन्होंने खुद साख्ता अपने आप को जख्मी करके बेबुनियाद पर्चा की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद तरनोल के करीब ट्रेन हादसा, तरनोल बेजीर चौक के करीब कार को हाट से पिंडी आने वाली ट्रेन की जद में आ गई। DSP रेलवे पिंडी का कहना है कि कार में सवार एक शख्स जहां बहक, एक जख्मी। कार ट्रैक से हटाकर क्लियर कर दिया गया। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमद रफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। शरकपुर शरीफ असिस्टेंट कमिश्नर ने रावी किनारे पौधा लगाकर नया जंगल का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मदर गुजर का कहना है कि रावी के किनारे 61 एकड़ पर नया जंगल लगाया जा रहा है। रावी किनारे 1200 पौधे फी एकड़ लगाने का मंसूबा शुरू है। रख झोंक के इलाके में 61 एकड़ पर हजारों दरख्त लगाए जा रहे हैं। विहाड़ी थाना लुडन से जराइम पेशा नासिर को नकेल डालने वाले SHO राना नेक मोहम्मद को फकीतुल मिसाल अल दावा किया गया। याद रहे कि राना नेक मोहम्मद वाहिद SHO गुजरे हैं जिन्होंने इलाका में मौजूद बदमाशों को एक तरफ तो नकेल डाली तो और तीन बड़े मोस्ट वांटेड, जो कि पंजाब के टॉप 20 में शामिल थे, गर्दन से पकड़कर हवालात में बंद किया और जेल भेजा। दूसरी जानिब राना नेक मोहम्मद की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने दहाइयों से मंशियात बेचने वाले लोगों को, जो नौजवान नस्ल को मंशियात पर लगा रहे थे, और साबिका पुलिस अफसरान भी जिनसे मिले हुए थे, इन मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग किया और सबसे पहले अमीन उर्फ अमीरी समूर, टिंडा बदमाश समेत दर्जनों मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं पर पंजाब के सबसे बड़े मंशियात फरोश नदीम उर्फ नदीमी सलदेरा को भी इसकी पनाह गाह में भारी नफरी ले जाकर गिरेबान से पकड़कर हवालात में पहुँचाया और इसके कब्जा से भारी मकदार में मंशियात भी बरामद की। इलाका में अमन व अमान की सूरत हाल हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त हुई
اور گزشتہ ماہ ضلع بھر میں کارکردگی کے لحاظ سے رانا نیک محمد کو اول پوزیشن دی گئی اور ڈی پی او وہاڑی ثاقب سلطان محمود نے ان کو شاباش دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا، جن کی دوسری جانب رانا نیک محمد نے علاقہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی دشمنیاں رکھنے والے کئی گروپوں میں صلح بھی کروائی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.satlujnews.com۔